व्यूअर्स, आज हम बना रहे जा रहे हैं चाट। सफ़ेद वाले चने जो होते हैं, ये वाले चने, इनकी चाट बनाने जा रहे हैं मिक्स। ठीक है, ये तो मैंने बॉईल कर लिया था, ये तो आपको सबको पता ही होगा। रात भर मैंने इसको भिगोया पानी में, सोडे के पानी में। उसके बाद इसको वॉश करके फिर सादा साफ़ पानी लिया। साफ़ पानी लेके इसको कुकर में, मैंने कुकर में तो जल्दी गल जाते हैं ना, कुकर में मैंने 20 मिनट सिर्फ नमक डाल के बॉईल किया। ये 20 मिनट नमक डाल के, 1 टेबल स्पून नमक डाल के बॉईल किए हुए छोले हैं। ठीक है, अब इसके में चाट बनानी है। थोड़ी सी मैंने ये ली है बाज़ार में, जो नीमको आती है, दही बूंदी कह लें, इसको मैंने सादे पानी में, कोई बॉयल या गर्म पानी में नहीं, सादे नल के पानी में इनको बॉयल किया है 1-2 घंटे। सबसे पहले ये डालेंगे, इसके बाद इसके ऊपर ये मैंने दही डालूंगी। ये मीठी दही, चीनी और नमक डाल के ये दही बनाया हुआ है। इसके बाद इसमें ये चाट सब कुछ डाल के, ये बॉईल, एक वो है आलू, उसको बॉईल कर दिया था मैंने और छोटे छोटे पीसेस काट लिए थे इसके। फिर उसके बाद 2 टेबल स्पून ये इमली की चटनी। इमली की चटनी की रेसिपी भी आपको मिल जाएगी मेरे लिंक से, आप मेरी वीडियोस में देखिएगा। इमली की चटनी बनाने की भी रेसिपी मैंने अपलोड की हुई है। ये इमली की चटनी, ये हरी धनिया पुदीने की चटनी, ये भी मेरे उसमें वीडियो में आपको दिख जाएगी कि हरी चटनी कैसे बनाते हैं। हरी धनिया पुदीना, हरी मिर्च, लहसुन सब डाल के ये भी डाल दिया। इसके ऊपर डाला थोड़ा सा, 1 चमचा चाट का मसाला। अब इन सबको मैं मिक्स करूँगी। ये सारी चीज़ों को डाल के इमली की सारी चटनी, चाट का मसाला, आलू, ये सब मिक्स हुआ। मिक्स करने के बाद ये आपने रख के, अब ऊपर से आप थोड़ी सी दही डेकोरेशन के तौर पे डाल दें, थोड़ी सी हरी चटनी डाल दें। ये हमारी चने की चाट तैयार हो गई है। इसमें मैंने ऊपर से टमाटर, प्याज और हरी धनिया काट के डाल दिए। अब ये डिश आउट कर दिया है। ये इस तरह की चाट तैयार करें, बहुत मज़े की आएगी। इसमें खट्टी मीठी चटनी भी है इमली की, हरी धनिया पुदीने की चटनी भी है, मीठी दही भी है, थोड़ी सी दही बूंदी भी है और ये छोले भी हैं।